सॉरी सॉरी, मैं आप लोग को एक चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ ऐसी गाली वाली वीडियोस लाइव पे बोलूँ या यूट्यूब पे डालूँ। यूट्यूब पे तो नहीं डाल रही हूँ, लाइव गई थी, लाइव में ही उधर पे जो हम लोग का झगड़ा लफड़ा वो जो भी हुआ, यूट्यूब पे अपना इंस्टाग्राम की लाइव पे ही जो भी हुआ, तो सॉरी बोलूँगी सब मेरे बहन लोग भाई लोग जो भी मेरी लाइव देखते हो, ठीक है। कुछ 1700-1800 लोग देख रहे थे मेरी लाइव, तो हम लोग ने बहुत भड़के हुए थे, क्योंकि लाइव में आके ये पता है कितनी गंदी गंदी बातें करता है। देखे उसने क्या वर्ड बोला, जो कि मैंने रिकॉर्डिंग में सुना चुकी हूँ, एक रात के लिए भेज दे, ठीक है। तो वो तो मेरे को नहीं लगता है वो अभी बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक रात भेज दे, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ बोलने पड़ी कि तेरी बहू या तेरी बेटी रहेगी उसको भेज दे, शायद 9 महीने का काम एक दिन में हो जाएगा। मेरा बोलना ये है, क्योंकि ये सबके हर एक यूट्यूबर के बारे में उसने ऐसी गंदी गंदी बातें बोला है। अब ये भी चीज़ का मैं सबूत बहुत जल्दी दूंगी हर किसी के बारे में, लेकिन देखो क्या है ना, मेरे को किसी का सुनाना यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। बात रही हूँ उनकी औरत की, मैं यहाँ पर चीज़ें सुना रही हूँ, क्योंकि उनको भी पता है वो बुढ़े की ज़बान कैसी है, ठीक है। और जो मुझे लगेगा ना, मैं सब सुनाऊंगी, जो होता वो बाद में मैं देख लूंगी, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ सुन लो, जिससे इमरान ने बहुत भड़क के गाली दिया और मेरे लाइफ पे 1800-1900 लोग जो देख रहे थे, तो इस वजह से दिया। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं लाइव गई थी, लाइव में इतना कुछ हो गया कि मैं लाइव है ना उठा के यूट्यूब पे नहीं डाल सकती, क्योंकि बुड्ढा हराम खोर वो भी लाइव आया था और उसने भी बहुत कुछ बोला कि ऐसा वैसा जो भी है उसको, तो अभी मैं उधर जाऊंगी और फिर उसको मैं बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, आप लोग सुनो। क्या रे, हाँ बदवा तेरी बदवा, अरे जा रे भाड़ खाऊ, दोनों औरत का तू हुआ नहीं साले, तू क्या बदवा देगा रे। हाँ और तेरी कौन सी बदवा मेरे को लग जाएगी, पहले खुद तो सुधर। औरत लोग के जैसा मुंह है तेरा, चुगली करते घूमता है ये औरत को मेरी औरत के बारे में ऐसा डालो, मेरी वाली औरत के बारे में ऐसा डालो, बोलो थोड़ा ऐसा बोलो कि मेरी दूसरी वाली औरत बिस्तर पे पड़ी है, ये वाली औरत सत्ता रही है, ये वो सारी रिकॉर्डिंग से बहुत है। बोल तू कितनी बोल, तू कितनी बोल मैं डालती हूँ, चल तू बता मैं कितनी डालूँ। हाँ और है ना सुन, बंगड़ी पहन के ना तेरा काम है, बैठा है ना जो तू बंगड़ी पहन के, तेरे बारे में देख कितने लोग क्या क्या बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तेरी हरकत की वजह से बोल रहे हैं। मैं तो लोगों को शौक नहीं आया, और सब अपने चैनल पर चला रहे तेरी रिकॉर्डिंग्स है ना, सब चला रहे। मैं छोड़ दे, तेरी वाइफ चला रही और बहुत सारे यूट्यूबर लोग चला रहे, मैं चला रही हूँ है ना, जिसके नाम से तूने कंप्लेंट किया वो चला रही है, कितने लोग का जवाब।
आप लोग को और एक दूसरी रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ हराम खोर बुड्ढे की, सुनो। सुन लिया आप? तो आप लोग ने ये भी रिकॉर्डिंग सुने रहेंगे, ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है जो कि मैं जितनी सुनाऊँ कम है। ये औरत लोग के बारे में मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ही गंदा गंदा बोलता है। मैंने आज की भी आपा जान की हमारी वीडियो देखी हूँ, जो कि आपा जान ने बोले ना कि सना ये तो है हरामी, तेको भी मालूम है ये बंगड़ी चोर है वैसा। तो ये बिल्कुल बंगड़ी चोर वैसा है, ये बंगड़ी चोर बोलता है सिर्फ तुम्हारे आपा के खिलाफ बोलो। आपा जान का, मेरा और आपा जान का कोई पर्सनली मैटर नहीं है, वो मुझे जो बोलेंगे मैं उसका जवाब दूंगी, मेरे को जो गलत लगेगा मैं वो बोलूंगी, ठीक है। तो ऐसा है, ये बोलेगा सिर्फ उसके लिए ही बोलो, 15 लाख उसने ही लिए, 15 लाख में ऐसा कैसा मान ले वो 15 लाख। हम लोग ने ये चीज़ बोले, दोनों 15 लाख लिए, दोनों कसम खाए, तो 15 लाख गए किधर, ठीक है। और वो 15 लाख से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने ये सवाल हम लोग ने पहले किए थे, ठीक है। तो अब ये बुड्ढा आके लाइव में इतना बज रहा है, जो कि इसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिया है ना, इस पर आराम से केस हो रहा है। और मैं जाने दे बोल के मैं बहुत मतलब एकदम छोड़ देती, मैं बोली ये मरे हुए को क्या मारना है ना, ये मरे हुए को क्या। लेकिन इसकी असलियत मैं लेकर आ रही थी। अब इसको मिर्ची लगी तो ये सोचा मैं करूँ क्या। तो ये आके लाइव पे बकबक कर रहा है, बोलता है मैं मर्द आदमी हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं सुनाता हूँ। तो तू मर्द आदमी है, दोनों और लोग देखो रखे क्यों नहीं तू छक। तो बुड्ढे सुन ना, तुझे वो 15 लाख रुपए जो तूने खुद लिया, और अभी तू वो तेरी औरत के ऊपर तू थोप रहा है ना कि 15 लाख रुपया उसने लिया। मेरे को भी बोलने बोला था ना तूने कि 15 लाख रुपये मैंने नहीं लिया, मैं तो कलाम पाक चीज़ उठा के मैंने कसम खाया। तो देख उसने भी कसम खाई है, तेरी वाइफ ने, आपा जान जो हमारी है उसने भी तो कसम खाई। पैसा तो तू लेके गया था ना हराम के पिल्ले, तो तू पैसा जब तेको इतना बुरा लग रहा है ना कि बॉस के पैसे तो लिए हैं, तो बॉस के पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो दे देना। तो कोई शर्म नहीं आ रही सोशल मीडिया पे, तेरी इतनी इज्जत खराब हो रही, इतनी इज्जत लोग निकाल रहे, देखो थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही। हाँ जरा तेरे लिए रियाना बॉस वीडियो बनाएगी तो तू फोन करके बोलता है और रियाना बॉस तुम मेरे लिए क्यों बनाए, उसने पैसे लिए उसके लिए बनाओ, उसके लिए उसको बोलो, मेरे को क्यों बोल रहे। तू सबको भड़काता है, पैसा तू लिया पर तू सबको चलाने वाला तू है, सब यूट्यूबर लोग को चलाता है तू। तू हम लोग को बोल रहा था जो कि हम लोग बात नहीं माने, तो तू सबको फोन, हम लोग से दोस्ती खत्म कर दिया। दोस्ती तो तेरे साथ में कौन रखेगा भाई, गंदे साले यहाँ का कभी साफ नहीं करता है। हाँ फिर भी देखो इतना हम लोग ने साथ दिए, तो इतनी बार यहाँ पे आया तेरे सपोर्ट में खड़े, न तो तेरे को कच्चा भून के खाती थी औरत। देखो मैंने ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ, देखो औरत ना कच्चा भून के खाती थी, वो हम लोग की वजह से ना तू छूट गया है, समझा। लेकिन ज़्यादा टेंशन मत ले, जिस दिन दिमाग आउट हुआ ना तो तू सोच लेना बेटा तेरा हाल क्या होने वाला है, क्योंकि तू अब दिमाग में चढ़ गया। जो तेरी आज की रिकॉर्डिंग जो आई है ना, बहुत गंदी गंदी बातें बोला तूने, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें बोला है जो कि मैंने सुना चुकी हूँ, है ना। और हाँ तो वो यूट्यूबर एक बिचारी, हाँ वो गरीब आई थी, वो जब तू उसको ये सब चीज़ें सिखा रहा था, जब उसने नहीं बोली, ठीक है, जब उसने नहीं बोली तो तू उसको फिर क्या धमकी दिया तूने, जब वो उसने तेरी औरत का साइड लेके जरा सा बोली तो उसको तूने धमकी दिया, क्या धमकी दिया
कि तू अगर ऐसा करेगी ना तो मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा, मैं तेरे तेरे चैनल पे स्ट्राइक मारूंगा, जो तू 5,000 रुपया कमा रही ना वो भी बंद करा दूंगा, ये वो। तूने क्या क्या बोला, धमकी दिया उसको, ब्लैकमेल किया तूने, और क्या क्या बोला, मैं सब बोलने वाली हूँ, सब रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाली हूँ। तू ब्लैकमेल किया, ठीक है। जब हम लोग तेरे को फोन करके, हम लोग को लड़की का फोन आया, जब हम लोग तेरे को फोन करके बोलते ऐसा मत करो, जाने दो, ये वो, जब स्टार्टिंग की बात है, तो तू क्या बोला? हाँ, मैंने बोली वो फांसी लेने की बात कर, तूने क्या बोला? हाँ, उसको बोलो फांसी लेके मरने के लिए, आज मरने वाली कल क्या, कल मरने वाली आज मर जाए। हाँ, तेरे दिल में रहम नहीं है, तू तेरे को भी 3-4 बेटी ना रे बुड्ढे हराम खोर नीच के औलाद, तेरे भी पेट पे औलाद है, बहू है ना। हाँ, दूसरे के बच्चे के बारे में तू इतनी गलत बात सोचता है, तू किसी का नहीं है, मुझे नहीं लगता तू किसी का है, तू सिर्फ पैसे का है, तेरे को सिर्फ पैसा चाहिए, है ना। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो है ना, ये जो क्या बोल रहा था बीच में मालूम है, ये लाइफ में मुझे ये चीज़ बोलने बोल रहा था, जिससे इसने मेरे से बात बंद कर दिया। ये बोल रहा था, ये ना एक वो कौन चाइनीज़ वाला है पता नहीं, उसके साथ में इसकी वाइफ जाती थी, वो क्या क्या करती थी मुझे नहीं पता है। देखो, जो चीज़ मैंने नहीं देखी वो मैं नहीं बोल सकती, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को ये बोलने बोल रहा था, हाँ, तो मैंने वो बाकायदा मैंने एक दो जन से सुनी भी थी वो चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं, ये मुझे बोल रहा था कि तू अपने चैनल पे ये चीज़ चला कि ये लड़कियों का धंधा कराती है, ये खुद भी धंधा करती है, ये वो। तो मैं क्यों बोलूँ भाई, मैं नहीं बोल सकती ये चीज़। तो इसने क्या किया, हम लोग से दूरी कर लिया, ये सोचा कि, इसने 2-3 जन को बोला भी कि लगता है ये लोग है ना वो मेरी औरत से, ये लोग लगता मिल गए ऐसा ऐसा बोल के। तो सुन, ना मैं तेरे से मिली हूँ, ना तेरी औरत से मिली, और ना सुने भाड़खाऊ, भाड़खाऊ तेरा नाम तो हम लोग ने रखे साले बेवड़े बुड्ढे टर्की बुड्ढे, तो वो टर्की बुड्ढा बोलते हैं लोग मेरे को, तो मैं तेरे को टर्की नाम इसलिए दी क्योंकि तू टर हमेशा टर्की मार के पड़ा रहता है रोड पे इधर उधर, तेरे घर वाले देखो कैसा उठा के लेके जाते हैं, उठा के लेके जाते हैं ना रोड पे पड़ा रहता है। तो तेरी हस्तियाँ देख, एक 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 दिन मेरे को रोज आके बोलना पड़ेगा। जो तू सिगरेट उधर पे सबसे सिगरेट लेता है, खाने पीने की चीज़ें लेता है, जो कि पैसा नहीं देता है, है ना, वो बेचारा तेरा बेटा इधर पैसा भरता है उधर पैसा भरता है, और फिर बाद में तू तेरे बेटे की बदनामी करते घूमता है ना, कि मेरा बेटा मेरे को मारता है, घर में नहीं लेता ये वो, तो कितनी बदनामी करता है ना। फिर देखो सफाई देने का रहेगा तो वीडियो बनाता है घर पे जाके, कितना कितना क्या क्या करता है। और बुड्ढे सुन, और भी तेरी असलियत मुझे बताना है, क्योंकि मैं चुपचाप थी तो तूने ना मुझे उकसा दिया कि और मेरी औरत के बारे में डाल, जो जो मैंने तेरे को बताया हूँ, है ना। तो देख, मेरे को ये सब चीज़ें तो फिर बतानी ही पड़ेगी, है ना, और तेरे सब अंदर के राज वो भी सब, किधर जाने से क्या क्या लेके आने का, जो 2 नंबर का धंधा तू इमरान को बता रहा था, जो कि हम लोग करते नहीं है सब काम है, ठीक है, वो चीज़ें तू बता रहा था, वो भी बहुत जल्दी ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे मैं डालने वाली हूँ, क्योंकि तेरे को मालूम नहीं तूने किससे पंगा लिया है, ठीक है। देख, हम लोग, मैं तो हमेशा ये चीज़ मैंने बोलती है, जो चीज़ मैं हूँ मैं वो चीज़ बताती हूँ, मैं यहाँ पे दो फेस मेरे नहीं बताती हूँ, मैं जो चीज़ हूँ मैं रियल हूँ वो रियल मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। तो चलो फिर, अल्लाह हाफिज़, और सबको सॉरी सॉरी दिल से माफ़ करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भड़के थे हम लोग दोनों, क्योंकि बुड्ढा लाइव आके क्या क्या बोल रहा था, आप लोग को जिसने देखा रहेगा उन लोगों को पता रहेगा। तो इसके लिए बुड्ढे की हम लोग बैंड बजाए, और ये हराम का पिल्ला, ये नीच का पिल्ला है, इसको कितना भी बोले ना इसके लिए कम है, ठीक है। तो चलो फिर, अल्लाह हाफिज़, और कल जो भी रहेगा आप लोग सुनाऊंगी बताऊंगी, अभी अभी और भी बहुत कुछ सुनाना है, बहुत कुछ बताना है। तो चलो फिर, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही था।